तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे लाइव हो चुका है। अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको भी चेक कर लेना, मैं उसका लिंक दे दूंगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसमें भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे आउटफिट दिखाए हैं और ये सेकंड पार्ट है तो इसमें और भी अच्छे अच्छे आउटफिट आपको देखने को मिलेंगे और उनके प्राइजेस वगैरह क्या है वो भी आपको पता चलेगा। ये सरोजनी नगर वीडियो का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सरोजनी नगर हॉल का पार्ट टू है, क्योंकि बहुत बड़ा लॉन्ग वीडियो गया था तो मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो एक पार्ट ऑलरेडी लाइव है, उसको देख लेना, और ये सेकंड पार्ट है तब आपको समझ में आएगा कि मैं जैसे कंटिन्यू पता चलेगा कि उसमें मैंने क्या बात किया और इसमें क्या बात किया, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट इसमें दिखाए हैं। तो आई होप कि आपको ये भी वीडियो मेरी अच्छी लगेगी और आप सरोजनी नगर जाओगे तो और आप भी अच्छे अच्छे कलेक्शन लेके आओगे। तो चलो बिना आप लेट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वहां से मैं क्या क्या लेके आई हूँ। जल्दी स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्टेड। बाद एक बहुत ही अच्छा मतलब गुफा वाला, जो मतलब ऐसे एंट्री करते हैं गुफा है, फिर उसके अंदर से ही एंट्री करते हैं। वहाँ पे बहुत सारा वो ऐसे ही रखा होता है टॉप वगैरह, तो वहाँ पे मुझे एंट्री करते ही ना ये दिख गया था, बहुत ही सुंदर और अच्छा ट्यूब टॉप जो कि बहुत ही स्टाइलिश लग रहा था। और मतलब मैंने जब इसको देखा तो एक दूसरी लेडीज सब तक वहाँ पहुँच गई, उन्होंने बोला कि नहीं इसको मैंने लिया। मैंने कहा शिट यार, तो मैं उनसे मतलब बात बात कर रही थी भैया से, दुकान वाले भैया से, तो दूसरी लेडी बोली कि नहीं मैंने ले लिया। मैंने कहा शिट निकल गया हाथ से, मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर उन्होंने देखने के थोड़े बाद बोला कि नहीं ये मुझे नहीं आएगा, तो आप चाहो तो ले सकते हो। मैंने कहा यस, तो मैंने इसको जल्दी से भैया से पूछा, उन्होंने प्राइस कुछ पता नहीं क्या मुझे नहीं बताया, बट बस ये मैं केवल बताया 100 रुपीज़ में लेके आई हूँ ये इस तरीके का टॉप, केवल 100 रुपीज़ में सोच सकते हो ऐसा टॉप। और ये मुझे पहले मुझे लगा पता नहीं फिट हुआ कि नहीं, जब मैं ट्राई कर रही थी तो मुझे फिट नहीं हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई कि वो शिट लेके आई अब नहीं होगा। और इसको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल में, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट वे में आप इसको स्टाइल कर सकते हो। आप इसको साड़ी के साथ पहन सकते हो, जीन्स के साथ पहन सकते हो, स्कर्ट के साथ पहन सकते हो, इसको ऊपर लेयरिंग ब्लेजर वगैरह के साथ पहन सकते हो। बहुत ही अमेजिंग लग रहा था ये पहनने के बाद। और मुझे जब ये चैन मतलब यहाँ पे साइड में ना जिप दी हुई है और ऊपर यहाँ पे लॉक दिया हुआ है, हुक का लॉक है, जिससे कि ये पहनने के बाद बिल्कुल सिक्योर हो जाता है, कहीं भी नहीं जाता। तो मुझे पहले तो आ नहीं था, जब मैंने हुक लगा के जो ऊपर दिया है लॉक उसको लगा के जिप बंद किया तो हो गया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि चलो फाइनली मुझे ये हो गया और मुझ पर ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी पहन सकते हो अगर आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, और या फिर उस जगह के हिसाब से होता है ना कि कौन कहाँ कैसा पहनता है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे ही पहन सकते हो और या फिर कवर अप के साथ इसको मतलब स्टाइल कर सकते हो। बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में इस तरीके से। इसका नीचे है थोड़ा सा फ्लेयर है और यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लगा हुआ है और अंदर भी यहाँ पे लगा हुआ है ताकि आप ब्रा वगैरह नहीं पहने तो काम चल जाएगा। तो ये और ये बिल्कुल केवल 100 रुपए में मैंने लिया था, 100 रुपए में, सोच लो 100 रुपए में। तो सरोजनी नगर ना कुछ भी हो सकता है सरोजनी नगर में। और अंदर गुफा वाली शॉप से फिर मेरी डॉटर को पसंद आया था ये, उसको ऐसे बीज कलर में चाहिए था उसको कि कुछ बीज कलर मिल जाए। वो दो तीन कुछ देख रही थी, उसको समझ नहीं आ रहा था, बट उसने फिर ये देखा। ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, जैसा कि आपको देखने से पता चल रहा होगा बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है और इसका हैंड भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये मुझ पर भी बड़ा हो रहा था, मेरी डॉटर पर भी बड़ा होता, बट इसको ऑफ शोल्डर या डिफरेंट वे में स्टाइल कर सकते हैं। जो मैंने स्टाइल किया वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी कि कैसा मैंने इसको स्टाइल किया है। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा, और इसको लेयरिंग के साथ भी मतलब इसको कर सकते हैं, जैसे अंदर हाईनेक वगैरह पहन के और फिर उसको ऊपर से इसको डालो, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा ये पहनने के बाद अगर आप पहनते हो तो बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें ये। तो ये हमने लिया था, फिर मेरी डॉटर के ही कुछ सामान बच गए, थोड़े बहुत मेरे हैं थोड़े डॉटर के हैं। उसके बाद हमने एक शॉप से ही दो तीन चीज़ें ली थी, जैसे कि ये मेरी डॉटर ने लिया था उसका ये ब्राउनिश बीच जो मिक्स कलर है, शॉर्ट ऑफ कलर है, मुझे प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा कलर, उतना थोड़ा कम है नॉलेज कलर का। तो ये मेरी डॉटर ने लिया था एक जैकेट टाइप पे, बहुत ही अच्छा था ये, इस तरह मुझे भी हो जा रहा है, मेरी डॉटर की भी हो जा रहा है। तो ये इस तरीके से है और इसमें यहाँ पे पॉकेट वगैरह भी है, तो बहुत ही अच्छा और हैंडी हो जाता है, पॉकेट वगैरह होता है तो ठंडी लगती है तो पॉकेट में हाथ डालो बहुत ही ज़्यादा रिलीफ होता है उससे। तो ये हमने लिया था वहाँ से और ये बहुत ही अच्छा फिट आया और ये भी बहुत ही अच्छा, ऐसा नहीं है कि लग रहा है कि यूज़ है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब हैवी है, अच्छा ठंडी में काम करेगा ये वक्त, आपको इस पर लेयरिंग कर लो ना तो बहुत अच्छा वर्क करेगा ये, कुछ अंदर पहन के ऊपर से पहने तो बहुत अच्छा वर्क करेगा, बिल्कुल ठंडी नहीं लगेगी आपको और स्टाइलिश भी दिखता है ये। ड्रेस के साथ भी इसको आप पहन सकते हो, जीन्स वगैरह टॉप वगैरह के साथ भी पहन सकते हो। तो ये है, अब कुछ ही प्रोडक्ट बच गया है। तो सेम शॉप से हमने लिया था अपनी डॉटर के लिए एक और, उसको ये ब्लैक ब्लेजर अच्छा लगा था तो हमने ये ब्लैक ब्लेजर भी लिया था उसके लिए। इस तरीके से है ब्लैक ब्लेजर और इसमें यहाँ पे बटन दिए हुए हैं, गला सूख गया बोलते बोलते, इतनी लंबी वीडियो हो गई। तो इस तरह से ब्लैक बटन दिए हुए यहाँ पे,
इसको आप भी, इसको ये भी बहुत ही ज्यादा क्लासी लुक दे रहा था। मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि मैं अंडर बजट में एक मतलब 500,000 में स्टाइलिश बजट की आप कैसे एक्सपेंसिव दे सकते हैं वैसा कुछ शॉर्ट वीडियो शूट करूँ आपके लिए और शेयर करूँ, तो मैं जल्दी हो सकता है उस वीडियो को शूट करूँ और आपके साथ शेयर करूँ, तो उसके लिए बने रहेगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना यार, ताकि थोड़ी सी हेल्प हो हमें, ठीक है। तो ये जैकेट भी मतलब ये जो है हमने वहीं से लिया था, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा था और इसका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है और इसमें भी पॉकेट वगैरह है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अफोर्डेबल मतलब मिल गया था प्राइस, तो हमने ये लिया। और उसी शॉप पे हमें मिला एक फ्री का सामान जो कि बहुत ही अच्छा है, ऐसा बिल्कुल ही बोल सकता है कोई कि ये फ्री में कैसे मतलब फ्री का कोई कैसे ही दे सकता है। तो ये आप देख सकते हो वेलवेट का जो ड्रेस है ये हमें मिल गया था बिल्कुल फ्री में। मतलब कैसे हुआ क्या हुआ ये पता है, मतलब वहाँ जो कमेटी वाले आते हैं ना, तो कमेटी वाले आ रहे थे तो हमने ये दो तो ले लिया था। ये ड्रेस मैं देख रही थी, पता नहीं मतलब ऐसी बात बात कुछ हो रहा था और मतलब उन्होंने बोला कोई नहीं ले जाओ इन दोनों को पैसे दो जल्दी, इसको ले जाओ ले जाओ। और कैसे वो मुझे खुद ही समझ में नहीं गया भैया फ्री में कैसे दे रहे हैं, उनको बड़ी जल्दी ली थी, वो जल्दी जल्दी अपना सामान मतलब बाहर निकाल देते हैं, बाद में उनको समेटना पड़ता है सामान, तो वो जल्दी जल्दी समेट रहे थे। तो हम दोनों इन दोनों को पैसे दिए, लास्ट में चलते रहते मुझे दिखा तो इन दोनों के पैसे देने के बाद मतलब जो जैकेट और वो लिया था बेटी का, तो उन्होंने बोला कि नहीं जल्दी से करो और ये ड्रेस हमें मिल गई फ्री में, ऐसा नहीं कि हम लेके भागे, उन्होंने बोला नहीं बस लेके जाओ चलो कोई नहीं पता नहीं क्यों दे दिया वो मुझे भी नहीं पता। तो ये ड्रेस हमने था फुल लेंथ ड्रेस है, बहुत ही सुंदर, पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा था मैंने जब इसको ट्राई किया था। तो ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जो है तो उसी सेम लेन में हम जा रहे थे तो हमें एक बूट का शॉप दिखा, तो मेरी डॉटर को बूट लेना था तो उसने ये बूट मतलब हमने बहुत सारे बूट्स देखे बट उसको ये पिंक पीस सा कलर पसंद आया, थोड़ा सा पिंक, प्रॉपर पिंक नहीं है, ब्लश पिंक बोल सकते हो, इसमें फ़ोन में थोड़ा सा अलग कलर दिख रहा है मतलब रिकॉर्डिंग में थोड़ा अलग कलर दिख रहा है बट ये थोड़ा सा पिंक ब्लश पिंक टाइप में कलर है। तो ये हमने लिया था और ये हमें मिल गया था 350 रुपीज़ में, वहाँ मिल गया था तो हमने ले लिया और अच्छा लग रहा था, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था और भी हमने देखा बट उसको ये अच्छा लग रहा था तो हमने एक ये लिया जो कि बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल है। बट वही है कि अभी बिल्कुल साइज है वो बड़ी हो मतलब एक आध सवा साइज उसको नहीं आएगा बट अभी के लिए सही था। तो ये थोड़े से इसमें हील है और ठीक ठाक है मतलब 350 में क्या ही लोगे, तो बहुत ही अच्छा मतलब ये मिल गया था हमें बूट वहाँ पे। उसके बाद अब कुछ ही प्रोडक्ट रह गया है, फिर वहाँ पे मैंने अपने लिए भी एक स्कर्ट लिया था और ये भी बिल्कुल बहुत ही कम प्राइस मिल गया था, ये 150 रुपीज़ का है। मैं वहाँ बहुत मतलब स्कर्ट का वीडियो वगैरह देख के ही मैं गई थी कि बहुत सारे स्कर्ट लेंगे बट हमें बहुत ज़्यादा स्कर्ट नहीं दिखा, एक मैंने अपने लिया और एक मेरे डॉटर ने अपने लिया, तो बस यही दो स्कर्ट लेके आए। ये एक पेंसिल स्कर्ट है और ये ग्रे लाइट मतलब डार्किश ग्रे कलर में है, जिस तरह से आपको जैसे लग रहा है ब्लैक बट डार्किश ग्रे कलर जो होता है वैसा है। एक ये पेंसिल स्कर्ट है, इसको भी आप बहुत ही डिफरेंट वे में स्टाइल कर सकते हो, प्रॉपर वो वुलन वाला है ये स्कर्ट, तो अभी विंटर के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये हमने लिया था और बहुत ही ठीक प्राइस मिल गया, बहुत ही कम प्राइस मिल गया था तो हमने इस वजह से ले लिया कि चलो ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट टू प्रोडक्ट बच गए हैं और ये बड़ा सा हॉल ख़त्म होने वाला है। तो फिर उसके बाद मैंने लिया था अपने लिए एक जैकेट, वहाँ हमने मतलब जैकेट वगैरह के लिए गए थे बट मुझे मैं ज़्यादा जैकेट पसंद नहीं आया, मैंने एक दो ही मेरे हस्बैंड को बोल रहे थे कि अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा, तो मैंने ले लिया था। तो ये भी सबको अच्छा लग रहा था जब मैंने इसको ट्राई किया, उन्होंने बोला ट्राई करने को, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये है वो जैकेट जो मैंने लिया है, ये मतलब वाइट कलर है, थोड़ा सा क्रीम कलर में है, क्रीमिश कलर में, और इसमें पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं स्क्रीन पे बट क्या है कि इसमें थोड़ा शाइन है, मैं ट्राई कर रही हूँ दिख जाए बट पता नहीं दिख नहीं रहा है शायद इस पता नहीं पास से थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि इसमें ना थोड़ा शाइनिंग है। तो ये जैसे पार्टी वियर टाइप पे जैकेट है कि आप कहीं पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तब भी इसको स्टाइल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसमें इस तरीके के कैप है, ये जो हेयर पता नहीं किस चीज़ के हेयर है, बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और इसमें कैप जो है वो डिटेचेबल है, आप इसको यहाँ पे बटन लगा हुआ है चाहे तो इसको पहन लगा सकते हो या चाहे तो इसको निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें भी पॉकेट है बहुत ही अच्छा और ये बहुत ही मोटा सा, ऐसा नहीं कि इसको पहनने के बाद आपको ठंड नहीं लगेगी स्टाइल करने के बाद, और बहुत ही अच्छा था। और ये सबसे महंगा था वहाँ पे मुझे लग रहा है क्योंकि हमने किसी शॉप से ली थी तो हमें ये पसंद आ गया था बट वो प्राइस कम करने को राजी नहीं थे, तो हमें आई थिंक 500 या 550 में इसको लिया, इससे अधिक में नहीं लिया था। बट ये सबसे महंगा हॉल मतलब इस हॉल में ये प्रोडक्ट था, मेरा जैकेट ही पसंद आ गया था तो हमने ले लिया। अब बस लास्ट चीज़ है जो कि बहुत ही अच्छा और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, वो है ये ब्यूटीफुल सा माइकल क्रॉस, इसमें लिखा हुआ है बट ऑब्वियसली ओरिजिनल तो नहीं है बट देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही लग्जरी लग रहा था मेरे को। इस तरीके के इसमें स्ट्रैप जो चौड़े वाले आजकल चल रहे हैं वैसे वाला स्ट्रैप मिल रहा था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं वो सर्च कर रही थी कि इसमें जो एक पाउच अटैच होता है वो वाला, भैया से मैंने पूछा, वो बोल रहे हैं कि आप इसी का प्राइस दे रहे हो वही बहुत है, मतलब ये मैंने 350 का लिया था, बोल रहे थे कि इससे ज़्यादा कोई पे करने को राजी नहीं होता, तो हमने वो वाला नहीं रखा। मैंने कहा अच्छा, तो मैं वो वाला सर्च कर रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, तो मैंने सोचा कि वैसा कुछ मिल जाए हमें बट वो नहीं मिला तो मैं यही ले लिया। इसमें ज़्यादा कंपार्टमेंट नहीं है, बस एक कंपार्टमेंट है, मैंने इसको खोला भी नहीं, ये भी एक कंपार्टमेंट है और इसमें यहाँ पे अंदर भरा हुआ है, अंदर देखिए मैंने चेक भी नहीं किया था अंदर,
इसमें और इसमें निकले ताकि बैग का शेप बना रहे अच्छा। तो इसमें बस एक ही कंपार्टमेंट मिल रहा है हमें और कोई कंपार्टमेंट नहीं है, बस ये ऐसा मिल रहा है। और इसमें अंदर इस तरीके का मतलब ठीक है बैग, उसे 350 में कोई बुरा नहीं है और मतलब स्टाइलिश भी लग रहा है देखने में, पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक देगा। तो ये था मेरा हॉल वीडियो जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा सामान हो गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना और कमेंट करना कि इन सब प्रोडक्ट्स में आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू एंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।